देखो जैसे आप अपने प्राणों का कुछ चाहते हैं, आप अपने प्राणों का वियोग नहीं करना चाहते, वैसे जगत के जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के जीव, सभी जीवन जीना चाहते हैं। सर्प की बात बता दूं, सर्प कभी भी तुम्हें डसने नहीं आता है। वस्तुतः आप सर्प को परेशान कर देते हो, सर्प को आप परेशान करते हो, कभी लाठी से छेड़ते हो, कभी आप वो चिल्लाते हो तो उसे भी डर लगता है, वो अपने प्राण बचाता है और आप अपने प्राणों के चक्कर में उसके बीच में आते तो वो क्या होता, गलती से वो डरवा देता है। इसलिए आचार्य वन कहते साधना करो, उस साधना में सर्प आ जाए तो बैठे रहो, भागो नहीं। साधना कर रहे हो और सर्प आ जाए तो भागो मत, चिल्लाओ मत, बैठे रहो। यदि बैर होगा तो देर क्यों, बैर है तो देर क्यों, और बैर नहीं है तो डर कैसा। जब तुम्हारा बैर ही नहीं है तुम्हें डरने की क्या बात है, भागने की क्या बात है, भागने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ, हमने कुछ किया होगा तो हमारा कुछ होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे चिंता किस बात की, नहीं ना। इसलिए ये सभी का विष दूर करता है। और उस समय यदि कदाचित हो गया किसी से तो उसमें डरने की नहीं, इसमें जो मंत्र है और इस काव्य की जो रिद्धि मंत्र और जो काव्य, इसकी साधना से सर्प का विष झड़ता है, सर्प का विष निकलता है। ऐसा बहुत सारे लोग किया करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ बता रहे जो जो मैंने पढ़ा है। अब आपको एक बात बता दूं, आपने सुना तो बहुत है नांग का हार, लेकिन इस 41 नंबर काव्य में एक स्टोरी आई है, कथा जो है वो सुदत्त नामक एक व्यक्ति की है। सुदत्त नामक एक व्यक्ति था और आपको पता होगा गाड़ी के दो पहिए एक से होंगे तो क्या हो गई, गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। अच्छा बताओ, गाड़ी का एक पहिया छोटा हो और एक बड़ा हो, यही एक पहिया टेढ़ा हो तो गाड़ी अच्छे से चलेगी क्या, बैलेंस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हम ये चीज़ अच्छे से मानेंगे कि गाड़ी के यदि दोनों पहिए सेम नहीं है तो गाड़ी अच्छे से चलने वाली, वो वस्तुतः वो गाड़ी कौन सी, आपकी ही गाड़ी। अब आपकी गाड़ी के दो पहिए कौन है, पति और पत्नी। ऐसी ही सुदत्त जो था वो एक गाड़ी का एक ऐसा पहिया था कि पत्नी तो धर्मात्मा, और एक कलश मंगाया सोने का, उसमें फूल की मालाएं लपेट दी, क्या क्या फूल की मालाएं लपेट दी और उसके ऊपर श्रीफल भी, तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक के द्वारा उसमें सर्प रखवा दिया था। और हुआ क्या, जब वह पत्नी मंदिर से आती है तो प्राणनाथ पति को क्या बोलती, प्राणनाथ ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे प्राणों के नाथ हैं ऐसा। और मालूम हो प्राणनाथ जी भी क्या बोलते हैं, कलश की साइड देखते हैं और बोलते हैं देखो शायद इस विश्व पर हमारा और आपका ऐसा प्रेम होगा, गंगा जल जैसा निर्मल प्रेम तो हमारा और आपका ही है। और वो प्राणनाथ जी क्या बोल रहे थे, देखो हे प्रिय, आज मेरा मन हुआ है कि मैं भी जैन धर्म को स्वीकार कर लूं। हे प्रिय, आज मेरा मन हुआ है कि मेरी प्रिया इतनी प्यारी धर्मात्मा है, मैं भी जैन धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं पितृय धर्म को छोड़ करके और आज तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूं। अच्छा, इसके बाद ही हम धर्म स्वीकार करेंगे और मैं तुम्हारे लिए गुरु दक्षिणा स्वरूप, क्योंकि आज से आप मेरी गुरु हो, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में परिवर्तन आया है,
इसलिए आज से तुम हमारी गुरु होगी, लेकिन आप मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। हे प्रिय, यह स्वर्ण कलश है और इस स्वर्ण कलश में एक बहुत प्यारा रत्नमयी हार है जो मैं आज तुम्हें उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। आप उसमें से हार निकालिए। देखिए, कौन जान सकता है? अब पति तो प्राणनाथ को प्राणनाथ ही मानती है, उसे थोड़ी मालूम है कि ये साजिश है कि कुछ। और उस प्रिया ने, उस श्रीमती ने उसमें से दोनों हाथ से वह हार निकाला, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थी, जरूर ही प्राणनाथ ने वो प्राणनाथ की माने सांप रखा हो। लेकिन जब भी उस प्रिया ने निकाला तो उसमें से तो हार ही निकला, और वो देख रही थी, वाह कितना अच्छा हार है, सच में बहुत नौलखा हार उस कलश में से निकला। वो यूं हाथ में लिए और बोल रही है, प्राणनाथ ये हार तो मेरे गले में शोभा नहीं देता है, ऐसा हार तो आपके गले में होना चाहिए, क्योंकि अच्छी वस्तु, देखो सच्ची स्त्री, सच्ची स्वामिनी तो सबसे पहले अपने, अच्छी वस्तु किसको देती है? अपने स्वामी, क्योंकि प्राणनाथ है। और उसने भी निश्चल भावों से वो बहुत प्यारा सहार अपने पति के गले में ज्यों ही डाला, और वो थोड़ी पीछे हटी, नहीं डाला और वो थोड़ी पीछे हटी कि मैं देखूं तो सही कैसा लग रहा हमारे स्वामी के गले में ये हार, क्योंकि जब डाला तब तो हार ही था, और जब उसने पीछे देखा, जैसे आप कहते सेल्फी, एक फोटो लें, पिक क्लिक करें, ऐसे ही वो पीछे हटी, उसने देखा, पर पति के गले में तो लहराता हुआ सर्प दिखाई दिया, और उसकी माँ कुछ नहीं, तब तक दिख रहा लहरा, और फिर क्या हुआ, एकदम से उस सर्प ने दांत लगा दिए, मतलब डस लिया गले में। अब क्या हुआ, सुदत्त मूर्छित होकर के गिर गए, और वहाँ से वो बेटी की माँ आई, गिड़गिड़ाने लगी, ये डायन है, इसने डस लिया मेरे बेटे को, बहुत कुछ बोलती है, बोलने वालों ने बोल दिया। लेकिन जो पत्नी थी, जैसे ही उसने देखा कि उसे इसका प्रभाव नहीं पड़ा, सासू माँ क्या बोल रही है, जैसे ही उसने देखा कि स्वामी के लिए सर्प ने डस लिया, वैसे ही उस सम्यक दृष्टि प्रिया ने दोनों हाथ जोड़ करके मन ही मन में, दिखावटी नहीं, कि हमारा नमक का त्याग है पांड्या जी, इतने दिन से कर रहे कुछ नहीं, उस प्रिया ने दिखावा नहीं किया था, जो कुछ किया था आंतरिक भावों से, कैसे हाथ जोड़े और आंखें बंद की, मन ही मन में 41 नंबर का वृक्ति जन्म समधिको किल कंठ नीलम, क्योंकि गुरुओं ने बताया है, श्रद्धान है, रिद्धि मंत्र, उसका जब मन ही मन कर रही है, बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक, और माँ को मालूम है कि मैंने ही सर्प रखवाया था, पर फिर भी क्या कर रही है, दूसरों के ऊपर ही दोषारोपण कर रही है। बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाए, जिस तांत्रिक से रखवाए उसे भी बुलाया, लेकिन सफल नहीं हुए कोई भी तांत्रिक, क्योंकि व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है पर सफल नहीं हुए। लेकिन वह प्रिया मन ही मन 41 नंबर काव का मनन कर रही, स्मरण कर रही, नाम ले रही है प्रभु के, और उसकी भक्ति के वश होकर के, उसकी श्रद्धा के वश होकर के पद्मा नाम की देवी को आना पड़ा। और पद्मा नाम की देवी आई और कहती है, बेटी आंखें खोलो। वो प्रिया आंखें बंद किए हुए हैं, तीन बार बोलती है वो पद्मा नाम की देवी, बेटी आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो कहती है, देखो जो वो कलश रखा है उसमें जो जल है, उस जल को अपने पति के ऊपर छिड़क दो। ऐसा उस पद्मा नाम की देवी ने कहा, और जैसे उस प्रिया ने वह
जल कलश का पति के ऊपर छिड़क दिया और पति ऐसे उठा वो सुदत्ता जैसे सोकर उठ रहा हो, उसे कोई सर्प ने ना डसा हो। जब ये सब कुछ वहाँ पर मांत्रिक तांत्रिक ने एवं सभी लोगों ने देखा, तब उसकी माँ सहित सभी ने जैन धर्म की जयकारा लगाई और नियम लिया कि आज से हम जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, और उस प्रिया को भी बहुत आशीर्वाद दिया। इसलिए यह जो काव्य है मात्र 41 नंबर काव्य ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें विशेष कुछ होगा, तभी आचार्यों ने इसे कहा है कि विष को निर्विष कर देने वाला, और विष को निर्विष करने वाले आपके भाव भी हों, इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके भावों का प्रभाव भी पड़ेगा। देखो प्रिया के भावों का प्रभाव पड़ा तो स्वामी ठीक हो गए, प्रिया के श्रद्धा न देखो तो नाग भी हार बन जाता है और हार भी नाग बन जाता। ऐसे ही तुम्हारा जैसा पुण्य होगा वैसे ही तुम सोना उठाओगे अग्नि होगी, और अग्नि उठाओगे सोना होगा। ये तुम्हारा पुण्य तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। तो हमें कुछ करने के लिए सबसे पहला पुण्य को गाढ़ा करो। पुण्य को गाढ़ा कैसे करूं? अनुष्ठान करके हम क्या करते हैं, पुण्य को गाढ़ा करते हैं। यहाँ तो हम और आप सभी गुणगान करके अपने हृदय में प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी को सहेज रहे हैं कि हे प्रभु आपके नाम रूपी नाग दमनी मेरे पास सदा रहे, जब भी मुझे डर लगे जब भी मुझे भय लगे। देखिए सांप के वजह से नहीं, स्वप्न में भय लगे, स्वप्न में कोई चिल्लाने लगे डर जाते हैं ना, कुछ भी हो उस टाइम तो आप मात्र 41 नंबर काव्य का स्मरण कर लो, सारे डर भाग जाएंगे, सांप भी घर में होगा। आप तो उड़द देखे ना, काले उड़द सरसों देखी, वो ले लो और इस काव्य को बोल दो वही नाग नमनी, और आपने डाल दिए वो सर्प, आप चाहो कि इतने परिधि में आ जाए तो आएगा भी नहीं। यदि आपने इस मंत्र को पढ़ करके लाइन बना दी है आउटलाइन, उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता है, तो आप पढ़ो और पढ़ करके श्रद्धा न करो, मात्र पढ़ो और छोड़ो मत। लेकिन इसका श्रद्धान पूरे अच्छी तरह से करो, क्योंकि जब तक श्रद्धान नहीं होता है तब तक कोई भी चीज में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? होगा कि नहीं, कि नहीं, किंतु परंतु, बिकॉज, किंतु परंतु चूंकि, इसलिए जहां पर ये सब चीज लग रही है वहां पर पहले ही कह दिया गया ऐसा नहीं होने वाला है। कल कहा था सम विषम, आज हम आपको बता रहे हैं 6 नंबर का पर सम है, सम है, इसलिए एकांत नहीं लेना। हमारे यहाँ पर स्यादवाद है, सम भी काम करता है विषम भी काम करता है, वस्तुतः सबसे बड़ा सम और विषम तो तुम्हारे भावों के ऊपर है कि तुम्हारे भाव कैसे हैं। मुहूर्त जितना अच्छा होता है उससे अच्छा मुहूर्त मन का मुहूर्त होता है। आपका मन पवित्र हो तो सब मुहूर्त अच्छे हैं, सब दिन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। इसलिए आप मुहूर्त ना देखें, आप सम विषम ना देखें, आप तो अपने मन का मुहूर्त अच्छा रखें, अपने विचार अच्छे रखें, सब कुछ अच्छा
अच्छा ही होगा, होगा नहीं, अच्छा होगा। कैसा होगा? अच्छा होगा। देखो एक अच्छा होगा, कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कैसा हुआ? बात क्या चल रही, प्रोग्राम कैसा? अच्छा हुआ मतलब अच्छा नहीं हुआ। और यदि कहा जाता अच्छा हुआ, देखो अच्छा हुआ और अच्छा हुआ, आपकी आवाज, आपके दांत सब कुछ बता रहे हैं कि क्या हुआ, अच्छा ही होगा। पेपर कैसा होगा बच्चों? अच्छा होगा कि नहीं? अच्छा आशीर्वाद दो। अरे तुम चिंता नहीं करो, अच्छा ही आशीर्वाद है, विशेष ही आशीर्वाद है। मेरा पेपर तो अच्छा ही होगा। हमारे अंदर में जब विचार आ जाते तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं? अपना डाउट। और वहां पर ही जहां डाउट आए वहां नंबर माइनस, क्योंकि हमने तो ऐसा देखा अपने स्कूल में, अपन खड़े हो गए, टीचर्स ने कुछ पूछा, सर एक मिनट, सर एक सेकंड, और हमारे सर आगे बढ़ गए, अब तो तुम खड़े रहो, पनिशमेंट मिली है। हमारे सर तो ऐसे नहीं थे कि यदि टीचर्स ने खड़ा किया और आप एक सेकंड रुक गए स्पीच देने में, अब तुम्हारी पनिशमेंट पक्की। वहाँ के उन्होंने खड़ा किया और आपको स्टार्ट होना होगा, और जहाँ वो डाउट, इसलिए यदि उनने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा ना, आपको मैथ का सवाल कुछ हल करने के लिए दिया, आप तो चौक उठाइए, अब आप सोचने लगे चौक उठाओगे क्या करोगे, ऐसे उठाओगे रख दोगे, अब बस पक्के समझ जाना पनिशमेंट बहुत तेज मिलने वाली है। और यदि आपने चौक उठाई, आप बोर्ड तक गए और आपने लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, फिर भी आपने गलत की, लेकिन आपने उसमें डाउट नहीं किया था। ऐसे ही जब स्कूल में टीचर पनिशमेंट दे सकते हैं, तो ऐसे यहाँ हमारे अंदर में डाउट होता है तो सफलता हासिल नहीं होती। तो सबसे पहला सफलता का मंत्र, सफलता का मंत्र, विष को निर्विष करने का मंत्र, तुम्हारे भाव होंगे, जितने अच्छे भाव होंगे उतने अच्छे तुम सफल होगे। इसलिए आज से तुम भाव अच्छे बनाओ और सफलता हासिल करो। समय हो गया है, हो गया ना, तो चलिए ओम नमः।